बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इब्तिदाए रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के बेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों आपको अब्दुल रशीद का सलाम पहुँचे। फ्रेंड्स, ये हमने एक इंजन ओपन किया, गाड़ी से उतार के बैर लाया। इसका काम अभी तकरीबन कुछ हो चुका है, कुछ बाकी रह गया है। ये इंजन है होंडा गाड़ी का, D15B मॉडल है, होंडा गाड़ी का इंजन है। और ये इंजन मॉडल है D15B। इसका काम हमने करवाया, इसमें से साउंड आ रहा था। साउंड किस चीज़ का था? क्रैंक का था, क्रैंक शाफ्ट का। और आयल भी काम कर रही थी गाड़ी, तो हमने इसको ओपन किया। और इसमें एक और गियर का फॉल्ट था ट्रांसमिशन का, ये देख लेते हैं। गियर का फॉल्ट था, इसका जो है चौथा और पांचवा गियर निकल रहा था। हाथ भी रख रहे थे तब भी वो निकल रहा था, तो चौथा और पांचवा गियर इसका रिपेयर हुआ है। तो साथ में इसका बोर किया है हमने, और ये 50 साइज़ के पिस्टन न्यू डाले हैं। स्टैंडर्ड पे पहले चल रहा था, इसका बोर हुआ है और 50 पे ये बोर हुआ है। पिस्टन डले हैं 50 के, रिंगें न्यू डली हैं 50 की, RIK कंपनी की इसकी रिंगें हमने डाली हैं। वो अच्छी रिंग चलती है, टाइम लगाती है। और साथ में इसका क्रैंक शाफ्ट का काम हुआ है, वो स्टैंडर्ड पे चल रही थी, अभी 50 पे तैयार हुई है। वो ग्राइंड करके खराद वाले से तैयार करा हुई है, बोर भी इसका खराद वाले से तैयार करवाया है। हेड इसका बिल्कुल ओके था, आयल काम करने की वजह से वजह थी, बोर इसका लूज था, ख़राब था, जरी आई हुई थी, साथ में जरी आई हुई थी और लूज़ भी था, जिसकी वजह से आयल काम कर रही थी गाड़ी। और साउंड इसका क्रैंक का था, वो क्रैंक शाफ्ट हमने ग्राइंड करा के 50 पे लेके गए हैं खराद वाले से। हेड बेल इसका बिल्कुल ओके था। अभी इसकी फिटिंग हो चुकी है, वॉश करके पिस्टन इसके डाल चुके हैं, क्रैंक फिट हो चुकी है, गियर इसका फिट हो चुका है। अभी इसका हम हेड इंस्टॉल करेंगे और साथ में फ्रंट टाइमिंग इंस्टॉल करके इसको गाड़ी में फिट करेंगे, साथ साथ आपको बताते रहेंगे। एक बार फिर आपको बताता चलूँगा, ये होंडा गाड़ी का इंजन है, इंजन मॉडल है D15B। इसकी रिपेयरिंग मुकम्मल हम कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो अभी इसके बाद इसका गैस कार्ड रख के हम हेड फिट करेंगे, वो फ्रंट टाइमिंग फिट करके जो जो चीज़ इसके साथ लगानी है मुकम्मल फिटिंग करके साथ साथ आपको बताते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको मिल सकें। जी, अब इसका गैस कार्ड हम इंस्टॉल कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये गैस कार्ड अभी इंस्टॉल हो चुका है, देख लें। और उसके बाद अभी हम हेड इसका ऊपर फिट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये गाड़ी का हेड है, इस इंजन का देख सकते हैं, हेड बिल्कुल ओके था, हमने इसका काम नहीं करवाया। हेड फिट करते वक्त वाल्व की तसल्ली कर लें, कहीं लीक तो नहीं है, अगर लीक हो गया तो आपको बहुत में प्रॉब्लम होगी। आइए अब इसकी हेड की फिटिंग स्टार्ट करते हैं। हेड फिट हो चुका है जी, अभी हेड की फिटिंग का काम स्टार्ट है, देख सकते हैं आप। हेड के काबे अभी टाइट हो रहे हैं, हेड के अभी काबले फुल टाइट हो रहे हैं, देख सकते हैं। इनको एक लिमिट में टाइट करें, अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो ब्लॉक भी क्रैक हो सकता है, जिसकी वजह से आयल पानी मिक्स हो सकता है और आप मैकेनिकल हज़रात को प्रॉब्लम आ सकती है।
लिहाजा इस परेशानी से प्रॉब्लम से बचने के लिए एहतियात करें। अभी काबले फुल टाइट हो गए हैं, चेक कर रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं बड़ी एहतियात से टाइट करें। जितनी पावर जितनी ताकत काबले को चाहिए उतनी इस्तेमाल करें, ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, नहीं तो परेशानी का सबब बन सकती है ब्लॉक क्रैक होने की सूरत। तो काबले फुल टाइट हो चुके हैं अभी ऐड के।